ऑलराइट, सो वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। आई नो यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। तो जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था बाइंग आईफोन 11 फ्रॉम डार्क वेब, वो तुम में से बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया और उसका काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को एक और ऐसा वीडियो बनाना चाहिए डार्क वेब से रिलेटेड। अब डार्क वेब में एक जो सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ है जिसे ज़्यादातर लोग मंगाते हैं वो है एक मिस्ट्री बॉक्स। अब मिस्ट्री बॉक्स ऑर्डर करने से पहले एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो ये कि जब मैंने अपना लास्ट डार्क वेब का वीडियो अपलोड किया तो उसके बाद मेरे एक दोस्त ने भी डार्क वेब में एक्सेस किया अपने नॉर्मल पीसी से, मतलब जिसे वो रेगुलरली यूज़ करता है, जिसमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन सारी ईमेल्स हैं, एंड गलती से उसने किसी लिंक पे क्लिक कर दिया और उसका यूट्यूब चैनल हैक हो गया। तो अगर तुम लोग भी डार्क वेब में सर्फ करना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो डार्क वेब, तो मेक श्योर कि अपने नॉर्मल पीसी से मत करो। क्योंकि अगर मैं अपना लैपटॉप बताऊँ तुम्हें तो इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ इसमें फिशिंग चालू है, ये बार बार इंटरनेट एक्सप्लोरर खुल जा रहा है, इसमें फिशिंग पहले से ही चालू है, बट इसमें कुछ नहीं है, बस माय कंप्यूटर और टॉर ब्राउज़र और कुछ भी नहीं, ना मेरा इसमें कोई ईमेल लॉगिन है। तो मैंने अपने तरफ से 100% ट्राई किया है कि मेरा कोई भी ट्रेस ना रहे इसमें, मेरी कोई भी इंफॉर्मेशन ना रहे इसमें। तो अगर आप अपने नॉर्मल पीसी से या फिर नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से डार्क वेब एक्सेस करते हो सकता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए। एलआई जैसे मेरे दोस्त का यूट्यूब चैनल हैक हो गया तो ये सब चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं। तो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। ऑलराइट, सो मैंने मिस्ट्री बॉक्स ऑर्डर कर दिया है। अब मिस्ट्री बॉक्स में बहुत सारी रेंजेस आती हैं, $50, $100, $200, $1000, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें कौन सा चाहिए। मैंने $70 वाला ऑर्डर किया है, अराउंड 0.006 बिटकॉइंस। और इस बार ऑर्डर करने में जो अजीब चीज़ ये हुई कि इन्होंने ना ही मेरा एड्रेस मांगा है एंड ना ही मेरा फ़ोन नंबर मांगा है, बस इसमें मेरे को अपना ईमेल एड्रेस डालना था और सारी चीज़ें ईमेल एड्रेस के थ्रू ही होंगी। तो मेरे पास मेरी एक फेक ईमेल थी, वही इनपुट किया है मैंने, क्योंकि जैसे आखिरी बार डिलीवरी हुई थी मैं इस बार कोई चांस नहीं लूँगा। बट लेट्स सी, इसमें ना ही इन्होंने मेरा एड्रेस मांगा है ना ही मेरा फ़ोन नंबर मांगा है, तो लेट्स सी कैसे डिलीवरी होती है। तो जैसे कोई अपडेट आता है आई विल लेट यू नो। 3 days later और लेट्स सो ऑर्डर कंफर्मेशन की मेल आ चुकी है, डिलीवरी डेट कल की है एंड मुझे जाके पिकअप करना पड़ेगा ऑर्डर। बट द थिंग इज, इन्होंने कोई डिलीवरी एड्रेस नहीं भेजा है, इन्होंने कोऑर्डिनेट्स भेजा है एंड दे आर 24.559 डिग्री लैटिट्यूड एंड 81.2926 डबल जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड। और अगर मैं इन कोऑर्डिनेट्स को गूगल मैप पे डालता हूँ तो दे आर अराउंड 5 to 6 kilometers फ्रॉम वेयर आई लिव एंड ये जगह शहर से बाहर है एंड डेट्स वियर्ड, ये शायद पैकेज वहाँ पे छोड़ के चले जाएंगे और मेरे को वहाँ पे जाके पिक करना पड़ेगा। और इन्होंने टाइम भी मैंशन किया है 7 AM IST। पर एक और जो सबसे ज़्यादा वियर्ड चीज़ है, नीचे एक और लाइन लिखी हुई है मेल में, नो हाइट्स एंड नो सीक, द ट्रेजर यू आर लुकिंग फॉर इज अंडरनीथ। मे बी इट्स अ रिडल, क्योंकि मेरे को इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है, मे बी ऐसे ही लिख दिया होगा इन्होंने। और अगर इसका कोई मतलब भी है तो जब मैं डिलीवरी एड्रेस पे पहुंचूंगा तभी पता चलेगा कि इसका मतलब क्या है। लेट्स सी। ऑल सो इट्स 6 in the morning एंड आई एम गोइंग टू टेक डिलीवरी ऑफ माई मिस्ट्री बॉक्स। मेरे को 7 बजे से पहले ऑर्डर पिकअप करना है। फ्रेंकली स्पीकिंग आई एम लिटिल स्कैर्ड, क्योंकि जैसी चीज़ें पिछली बार हुई थी दैट्स सो ऑब्वियस। लेट्स सी। नेट की सबसे एग्जैक्ट लोकेशन यही है, 0-0। One eternity later। अभी ऐसा हो सकता है क्या कि जमीन में गाड़ के क्या हो ये लोग? अभी जमीन में कैसे गाड़ सकते हैं? अभी ऐसे डिलीवरी छोड़ना होती है। सुन, अभी वो रीडर भी उस पे था ना मेल में कि नो हाइट्स एंड नो सीट, द ट्रेजर यू लुकिंग फॉर मस्ट बी अंडरनीथ। तो फिर हो सकता है, मेरे ख्याल से वो रिडल का यही मतलब है।
निकालू मैं, चेक कर क्योंकि भाई फ्रेश लग रहा है भाई। अभी अभी कोई फेंक गाड़ के, अभी फेंक के, ये देख मिट्टी अगर ऊपर से डाल के अभी गया है जस्ट। ओ फक, भाई साहब ऑल राइट। सो इस बॉक्स को भी मैं वहीं पे लेके आया हूँ जहाँ पे मैंने आईफोन की अनबॉक्सिंग की थी, क्योंकि अगर C4 हो तो शहर के बाहर ही होते, ऐसे होगा नहीं मोस्ट प्रोबेबली, पर हू नोस। और पिछली बार अपन पैकिंग का बोले थे, इस बार पैकिंग देखो कितनी सही है, तो देखते हैं भाई है क्या इसमें। दूसरी यहाँ से मत करना। ये क्या है? एयर पॉड है भाई, पर मुद्दा यह है कि एक ही पॉड क्यों है इसमें, ऐसा क्यों है भाई मेरे को क्या पता। ओरिजिनल नहीं लग रहा मेरे को, ये कॉपी लग रहा है भाई, कॉपी है भाई, कॉपी ही है। एक मिनट, और ये एक्सटेसी है ये? भाई एक्सटेसी नहीं होगी भाई, इतनी महंगी चीज थोड़ी देंगे, लेवल हो भी सकता है, ऐसी पिल्स रहती हैं। हाँ पता नहीं भाई क्या है ये, इसका नहीं पता मेरे को, ठीक है ना। दूसरी चीज ले, ये क्या है? कॉइन है किसी तरीके का, टूट गया यार इसका बॉक्स। किसका कॉइन है पता नहीं भाई, कुछ देखा इंडियन नहीं लग रहा मेरे को ये, क्योंकि जितना मेरे को पता है मैं ऐसा कॉइन कभी नहीं देखा। चेंज कर, एक मिनट रुको जरा भाई, अभी तो सामान है। ये क्या है? ओके दूसरा हाथ भाई, आईफोन गिरे नहीं, ये टूटा हुआ है, टच कर ले देखने दे भाई। सही है यार, पर चलता है कि नहीं चलता है? हालत तो नहीं लग रही, चलने लायक नहीं, खुल रहा है इधर से पूरा खत्म। अंदर का मैटर है कुछ भाई, चालू ही नहीं रहा, बैटरी नहीं है इसमें। ये आखिरी चीज, ये भी टूटी हुई, एक क्रॉस बना है इसमें। डार्क वेब से क्या एक्सपेक्ट करेगा, वो भी उल्टा क्रॉस है बे, शायद दिखा फिर से दिखा। ओ फक, क्या लग रहा है? उल्टा क्रॉस नहीं होना चाहिए इसमें भाई। रख दे वापस रख सारी चीजें, मतलब उल्टा क्रॉस का मतलब होता है इट्स लाइक डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो जीसस क्राइस्ट को डिसरिस्पेक्ट करता है ना, वो उल्टा क्रॉस बनाता है जस्ट अपोजिट होकर। करना क्या भाई, बहुत क्रेजी चीज है भाई। भाई जितनी भी चीजें है ना, कोई भी चीज सही नहीं है। टूटा आईफोन, एक ही बट है, दूसरा बट पता नहीं कहाँ है, जास का तो पता ही है, बस एक ये जो चीज है ना भाई, ये चीज बस सही है, पर क्या है ये नहीं। देख भाई आईफोन का घर जाके देखूंगा, कोशिश करूंगा अगर ये चल जाए, इसको चार्ज करता हूँ, अगर चल जाएगा तो ठीक ही है भाई, अगर नहीं चलेगा तो फिर क्या ही करें। सबको तो घर लेके जाऊंगा, पर इस चश्मे को अभी फेंक रहा हूं। All right, so, इस फोन को मैंने 2-3 घंटे चार्ज किया एंड स्टिल नॉट वर्किंग।
मेरे को लगता है कोई टेक्निकल या फिर इंटरनल इशू है। एंड वन मोर थिंग इज, जिसका भी फोन था ये, उसका मे बी एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि जैसे डेंट इस पे पड़े हैं और भी स्क्रैचेस हैं यहाँ पे, शायद तुम्हें ना दिख रहे हो, साइड में भी स्क्रैचेस हैं, ऐसा लग रहा है कि फोन घिसा है सड़क में या फिर किसी भी चीज पे। और अगर तुम्हें याद हो कि जो ग्लास मैंने दिखाया था वो भी मेरे को लग रहा है सेम पर्सन का ही है। और ये जो बर्ड है भाई, वो किसी काम के नहीं है, एक तो ये फेक है और एक ही कान का दिया सामने वाले। लाइक अगर मैं तुम्हें कंपेयर करूँ मेरे वाले से, देखो कितना डिफरेंस है, ये मेरा वाला है और ये जो मेरे को इस पे मिला, मतलब जितनी भी चीज़ें इसमें आई ना, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें खराब थी या फिर ऑलमोस्ट यूजलेस थी। बट एक जो चीज़ पैकेट पे मैंने तुम्हें दिखाई थी, जिसमें हमने बोला था कि मे बी ये एक्सटेसी है, वो एक्सटेसी तो नहीं है, पर जो भी है मैंने अपने दोस्त को बताई वो, और उसकी काफ़ी अच्छी वैल्यू मिल गई मेरे को। और अगर मेल में वो रिडल ना लिखा होता, नो हाइड एंड नो सीक, द ट्रेजर यू आर लुकिंग फॉर इज अंडरनीथ, तो मेरे को नहीं लगता कि मैं ढूंढ पाता। पर एक बात तो है, जो भी लोग आए हैं, जो भी ये डिलीवर करते हैं चीज़ें, इनका डिलीवरी करने का तरीका बहुत ज़्यादा यूनिक है। एक तो पहला, रात में 3:30 बजे डिलीवरी हुई, दूसरा ये। ऑल राइट बॉयज, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड दिस वीडियो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड शेयर। सो दिस इज इट, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे होम।